हेलो फ्रेंड, मैं कुमकुम सिंह, कुमकुम की रसोई में आपका स्वागत है। मैं आज आपको खीर का विधि बताने जा रही हूँ। ये एक मीठा व्यंजन है, ये हर फेस्टिवल में बनाया जाता है, ये बच्चों के लिए भी काफ़ी हेल्दी है। अगर आपको मेरा यह विधि पसंद आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब का बटन अवश्य दबाएं। ये दूध ली हूँ, इसमें मैं 200 ग्राम चावल, 200 ग्राम चीनी, ये ड्राई फ्रूट्स में मैं काजू ली हूँ, इसमें नारियल भी है, और ये किशमिश है, ये कूटी हुई छोटी इलायची और लौंग है। अब मैं खीर बनाने जा रही हूँ। दूध खौलने लगा है, अब इसमें मैं चावल डालती हूँ। अब इसे आप अंदर बैठ जाता है, इसे तली से चलाते रहें, इसलिए मैं इस तरह का बर्तन को इस्तेमाल करी हूँ। अब इसे और धीरे धीरे इसको बार बार चलाते रहेंगे। जब देखिएगा चावल यूँ छूकर देखिएगा, जब पक जाएगा और दूध गाढ़ा होने लगेगा, उसके बाद इसमें चीनी डालेंगे। अभी मैं इसमें काजू और नारियल डाली हूँ ताकि ये साथ में पक जाए। देखिए दूध अब खौलने लगा है ये। अब मैं इसका फ्लेम कम कर देती हूँ, कम करके इसके मैं पकाऊंगी ताकि ये धीरे धीरे पके। अब मैं इसमें चीनी डालने जा रही हूँ क्योंकि मेरा ये एकदम गाढ़ा हो गया है खीर। देखिए इसको नीचे सीम चलाते रहिएगा ताकि ये नीचे बैठ ना जाए, अगर ये बैठ जाएगा तो ये जल जाएगा। देखिए एकदम गाढ़ा हो गया ये। अब मैं उतने ही टाइम तक रखूंगी जब तक चीनी गल जाए। देखिए मेरा थोड़ा सा ये खीर अभी पतला हुआ क्योंकि चीनी गला है। अब मेरे खीर तैयार हो गया है, अब मैं इसका फ्लेम बंद करती हूँ। अब मैं इसमें किशमिश डाल रही हूँ क्योंकि जब तक दूध खौलता है उस वक्त किशमिश नहीं डालना चाहिए, और छोटी इलायची डाल दी हूँ। मेरा खीर देखिए, मेरा खीर बन के तैयार हो गया है। अब ये गर्म है, थोड़ा ठंडा होने पर इसे परोसिए। रोटी, पराठा, पूरी किसी किसी चीज़ के साथ खा सकते हैं या यूँ भी खा सकते हैं।